हेलो दोस्तों, तो जो भी न्यूज़ चल रही है अभी बहुत ही सोशल मीडिया पे, मैंने फेसबुक देखा तो उस पर कोई बोल रहा है कि जो दया गुजर कोटा उसके गोली लगने से मौत हो गई या फिर उसके जो हार्ट अटैक आने से मौत होगी, तो अफवाहें फैलाई जा रही है। तो मैं आपको सही न्यूज़ बता रहा हूँ, मैं जस्ट अभी वहीं से आ रहा हूँ जहाँ पर उनका शव रखा गया है। अभी MBS हॉस्पिटल में उनका शव रखा गया है, वहीं पर मैं इंटर्नशिप करता हूँ और MBS हॉस्पिटल में उनका शव रखा गया है अभी मोरचा में, जो सुबह 9 बजे दे देंगे उनके परिवार वालों को। वहाँ पे बहुत सारी भीड़ भी लगी हुई है और पुलिस वाला का फुल जाप्ता है, माहौल बहुत गर्माया हुआ है। और जो मारने वाली पार्टी है वो भी गुजरी है, गुजर समाज से ही है, एक देवा भाई भी और जो अदर पार्टी जिन्होंने ये किया, जो भी फायरिंग जो भी और चीज़ें वगैरह जिससे भी मारा वो भी गुजरी थे। वो कहते हैं ना गुजर को गुजर मारे या मारे भगवान, तो वो भी गुजरी थे। तो अभी रखा गया और उनका डिक्लेयर हो गया, वहाँ से रेफ़र किया था तब वो घायल थे, लेकिन यहाँ पे आते आते वो उनकी जान निकल गई थी, वो दम तोड़ दिया था। तो ये सबसे सही न्यूज़ है, कोई अफवाह नहीं फैलाए, उन्होंने दम तोड़ दिया है और उनका शव सुबह 9 बजे देंगे, जो मैं तुम्हें लाइव तस्वीरें दिखा दूंगा। अभी वहाँ पर बहुत भीड़ है इसलिए मेरा फ़ोन भी ऑफ होने वाला था, नहीं तो मैं भी आपको सब दिखा देता। और अभी उनका शव यहीं पर मोर्चा में रखा गया है और जो मारने वाले वो गुजर हैं। इनके जो पुरानी रंजिश है कुछ पैसों को लेकर आपसी झगड़े हैं, जो शायद दिन के परिवार में हो या फिर आसपास के गांव वाले हैं। तो जो इनको मारने आए थे वो 30 जने थे, शायद 2 गाड़ियां भर के आए थे और अकेले शायद सैलून में गए थे कटिंग वटिंग करवाने, तो वहाँ इनके साथ ये झगड़ा हुआ और वहीं पर इनकी फायरिंग वगैरह हुई और ये वहाँ पर घायल अवस्था में आए थे कोटा, और यहाँ पर इन्होंने दम तोड़ दिया। और जो अब कल सुबह जो इनको निकालेंगे यहाँ से, तो मैं सुबह आपको लाइव तस्वीरें दिखाऊंगा। धन्यवाद।